बहुत स्वागत है हाईवे क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमारी लासा मासा का कल हमने इम्पोर्टेंट जो कठिन प्रश्न थे उसको शेयर किए। आज उसका दूसरा भाग लासा व मासा के कठिन प्रश्नों का आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे और ये हमारे लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। और ये सीरीज आपकी जारी थी एलसीएम एंड एचसीएफ से, एलसीएम एंड एचसीएफ से टफ क्वेश्चनों की, जो कि अच्छे क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स, अगर इस सीरीज को आप पूरा देखते हैं, अगर इन लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो क्वेश्चन 5 से भी देखिएगा, 1 से 5 तक भी उनको देख लीजिएगा और फिर यहाँ से आप लोग कैरी कीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं और कठिन क्वेश्चनों की ओर आपको ले चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी पहले पार्ट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए गए और ये नेक्स्ट आपके साथ फिर से है। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल 41.07 है, यदि उनका मासा 37 हो तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने हमारे लेक्चर वो नहीं देखा है, जो एलसीएम एचसीएफ से मैंने जो थ्योरी कवर की है, जिसमें हमने थ्योरी देखी है एलसीएम एंड एचसीएफ की, उस लेक्चर को देखिए। यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और उसको देखिएगा। ओके, जिससे आप लोगों को एक बेसिक मिल पाए, फिर आप इस अच्छे क्वेश्चनों को भी आसानी से टैकल कर सकते हैं। देखिए, हमने आपको सिखाया था अगर मासा दिया गया हो, क्या हो, मासा दिया गया हो तो हम लोग संख्याएं मान सकते हैं। देखिए, मासा ये है, तो अगर हमारे पास संख्याएं हो, क्या हो, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अगर दोनों संख्याएं हो तो हम उनको 41.07 के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो अगर आपको मासा गिवन है, तो अगर आपको भैया मासा गिवन है तो हम लोग संख्याएं मान सकते हैं। क्या एक संख्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी कितनी, 37A, और दूसरी भैया हो जाएगी 37B। ये हम लोगों ने आप लोगों को सिखाया हुआ है। ओके, तो बस अब दो संख्या आ गई, तो यहाँ पर रख लीजिए। देखिए, 37A इंटू में 37B बराबर क्या, 41.07। अब देखिए, इसको आप डिवाइड कीजिए 37 से, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, बचा कितना, बच गया 4, हो गए 40, फिर एक बार जाएगा 37 एकम 37, बच गए 3, फिर 37 एकम 37। अब देखिए, ये कट गया आपसे, 37 से जाएगा 37 से कितनी बार, 37 से 3 बार, 37 यहाँ कितना, 111, 3 से इसको डिवाइड जाएगा, ए इंटू बी बराबर कितना, 3। तो देखिए कितना, 3 भाई 37 से इसको डिवाइड करें, 37 से कट गया 111 आ गया, फिर 37 से डिवाइड करोगे तो ये 3 बार कट जाएगा, 37 से 111 हो जाएगा। ओके, तो ए इंटू बी बराबर कितना, 3। मैं आपको बताऊं 37 वाला कंडीशन क्या है, अगर आप इसको 111 को डिवाइड करते रहे तो आपको ढूंढे नहीं मिलेगा कि ये किससे कट रहा है। तो आपको देखिए, 37 अगर कुछ ऐसा ऐसा बन रहा हो एक एक, तो वो 37 से कटेगा, दो दो बन रहा हो तो वो 37 से कटेगा, चेक कर सकते हैं। अगर 37 में 3 से गुणा करें, 3 7 21, 1 3 3 9 2 11, 111 बना। अगर आपको 2 बनाने हैं तो 37 में कितने से गुणा करें, तो अगर इसमें 6 से गुणा करें, 6 7 42, 6 3 18, 4 कितना 22, देखो 2 2 बना। अगर इसी तरीके से ये कुछ कंडीशन है तो आप 37 से जरूर चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ए इंटू बी बराबर 3 आ गया। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा लेक्चर देखा होगा तो आप लोगों को क्लियर हो कि ए बी क्या थे, ए बी थे आपके अभाज्य गुणनखंड, जो आपस में सहअभाज्य गुणनखंड थे। तो ए बी बराबर 3, यानी कि 1 गुणे 3। अब ए का मान 1, बी का मान 3, चाहे यहाँ पर रखिए, यहाँ पर देखिए 37, ए का मान 1 रखेंगे तो 37 एकम 37, यहाँ 3 रखेंगे, 37 गुणे 3 रखेंगे तो ये 111 आ जाएगा। अब हमसे ये पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया, तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, उनमें से बड़ी क्या है, 111, तो ऑप्शन आपका सेकेंड आ जाएगा। अगर जिन लोगों ने पहली बार लेक्चर हमारा देख रहे हैं, तो अगर उनके समझ में नहीं आया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ के पूरे पार्ट्स को देखें और फिर समझें और फिर इस पे आएं। ओके, कठिन क्वेश्चन को फ्रेंड्स, अगर ये कठिन क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज आप हमारी देखते रहे और जिन तरीके से मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन सिलेक्टेड किए हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिस एग्जाम में बैठेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। फ्रेंड्स, काफ़ी हेल्प मिलेगा आप लोगों को, काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्यों, क्योंकि आप लोग वो सारे क्वेश्चन देख चुके हैं जो एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भलाई करेंगे तभी आपके साथ भला होगा, दोस्तों का भला करेंगे तो दोस्त आपका भी भला करने का कुछ सोचेंगे। ओके, तो इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फ्रेंड्स कोई चार्ज नहीं है और आप लोगों को फ्री आप जो है
एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। और सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि जब भी मैं अपने टफ क्वेश्चन लेक्चर की सीरीज अपलोड करूंगा तो उसका लेक्चर आप जल्दी सबसे पहले देख पाएंगे। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर जो भी संख्या होगी वो ये एक्स्ट्रा में है। अब जो भी संख्या ये 1936 में से घटाई जा रही है यानी कि वो संख्या छोटी ही होगी, ये एक्स्ट्रा में है, तो कितना घटाना वही हमें बताना है। तो परिणामी प्राप्त संख्या 9, 10, 15, कितना भैया? 9, 10, 15, 9, 10, 15 में से किसी से भी भाग देने पर शेष 7 रहे। तो पहले तो इसी कंडीशन को फॉलो कराएं, तो 9, 10, 15 से भाग देने पर शेष 7 रहे, तो यहाँ पर हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, तो सवाल ये आता है कि 9, 10, 15 का एलसीएम पहले निकालना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम क्या होता है ना? तो सबसे पहले तो ये है, तो इसका एलसीएम तो मैंने बताया कि भाई आप उस तरीके से भी करते हैं जैसे आपको आता है, तो हम ऐसे सीखते हैं। तो 9 से 9 ले लिया क्योंकि 9 में फैक्टर 3 के 2 हैं और किसी में फैक्टर 2 है नहीं और 3 के सिवा कुछ है नहीं, तो 9 ले लेंगे। अब 9 के सिवा 9 चला गया, 9 के सिवा अब 9 के नीचे जितने होंगे कॉमन वो सारे आ जाएंगे, इसमें छिपा हुआ है 3, तो यहाँ बचा कितना? 5। अब पूरा हमने 10 ले लिया, भाई 10 जो है 5 में है, पूरा चला गया, भाई कॉमन हो वो भी ले लो ना हो, तो 90 आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, हमारा एलसीएम आ गया 90। अब 90 को ऐसी गुणा कराओ कि 1936 के करीब में पहुंच जाए। भाई 1936 के करीब में अगर पहुंचाना है तो 90 को ऐसी गुणा कराओ कि उसके करीब में पहुंचे। तो देखिए चेक कैसे करेंगे कितने से हमें गुणा करानी है, तो सिंपल सा आपको 90 लेना और जिसके करीब में पहुंचाना होगा, ठीक है। अब देखिए कितने से, भाई दो बार पहले तो 180 हो जाएगा, 180 बचा कितना? 3, और यहाँ 9 में सड़ गया 1, यहाँ 136, अब एक बार जाएगा तो 90, तो ये एक बार गया बस। हमें चेक हुआ कि 21 से गुणा करानी चाहिए, तो 90 में 21 से अगर हम गुणा कराएं तो देखें कितना मिलता है, 0 का 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1890। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 1890 ऐसी देखिए एलसीएम में आप जहाँ जितने से गुणा कराएं वो वेरी करता है। आप समझने का प्रयास करें, हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो आप समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो, लेकिन आप समझने का प्रयास करें। देखिए देखिए क्या है, जैसे हमने कहा 8 6 4 का एलसीएम कितना, ऐसी संख्या बताओ जो 8 6 4 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे सर इसका एलसीएम कितना होगा? 24। भाई 8 3 24, 6 4 24, 4 3 4 6 24, लेकिन 24 में आप कितने से भी गुणा करा दो, 24 3 72, क्या 72 8 से डिवाइड नहीं है? क्या 6 से नहीं है? क्या 4 से नहीं है? आप 24 से 4 से गुणा करा दो, 96। क्या 96 8 से डिवाइड नहीं है? क्या 6 से डिवाइड नहीं है? क्या 4 से डिवाइड नहीं है? है डिवाइड ना, तो फिर इसीलिए गुणा आप चाहे जितने से कराओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस गुणा इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इसकी कंडीशन को फॉलो कराना है और इसके करीब में ले जाना है ना, तो इसमें से इसलिए 1890 देखो है ऐसी संख्या, आप 9 10 15 किसी से भी भाग कीजिए आपका शेष नहीं बचेगा, लेकिन हमें शेष बचाना है कितना? 7, तो भैया इसमें 7 जोड़ने पड़ेंगे, 1897। बस हमारा आंसर आ गया कितना? 1897 हमें चाहिए, और लेकिन 1897 हमें चाहिए तुम दे रहे हो 1936, कितना दे रहे हो? 1936 दे रहे हो, कौन ले लेगा भाई? कितना ज्यादा है भाई, 1936 आप दे रहे हो, हमें चाहिए कितना? 1897, कितना ज्यादा है? देखिए कितना ज्यादा है उतना घटा के इन्हें दे दीजिए, वापस कर दीजिए इनका। देखिए भाई, देखिए 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 16 में से 7 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ बचा 12, 12 में से 9 गया, बच गया 3, और यहाँ 8 में से हट गया 0, 1 में से गया 0। देखिए भाई 39 जो है आपके ज्यादा है, आप ये ले लीजिए, जो भी ऑप्शन में हो इनको बता दीजिए कि भैया ये वाला जो 39 आपका ज्यादा है बस इन्हें दे दीजिए इनका, बस आंसर आपके सामने। ओके, क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़े टफ क्वेश्चन है, समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमारे बेसिक वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा, उस पे कंफर्म कीजिएगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स काफी इजी क्वेश्चन है। कहा गया क्या, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर सके, तो मतलब इसका मासा हमें चाहिए। मासा आप इसको देखते बता सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से सीख सकते हैं कि भाई 200 को 320 से डिवाइड कर दे, जहां पर डिवाइड पूरा हो जाए वहीं मासा है, तो एक बार जाएगा 120 बचा, 200 में डिवाइड करेंगे फिर एक बार जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 80, फिर जो है 120 में डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, बचा कितना? 40, फिर 80 में डिवाइड करेंगे, 40 दूना 80, बस हमारा यहाँ पूरा डिवाइड हो गया, मासा हमारा आ गया कितना? 40, तो ये 40 आपका आंसर। ओके, क्लियर? देखिए फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन है तो काफ़ी इजी, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर हमें मासा यक्स पता हो तो हम संख्याएं मान सकते हैं कितनी, यक्स ए और यक्स बी, और अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा? यक्स ए बी,
तो सेम तरीके से हम लोगों को चलना है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को मासा भी पता है कितना 8 है, और यहाँ पर ए और बी के मान भी पता है। ए का मान कितना है 4, 5। देखिए ए भी जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सह अभाज्य, जो लोग आपस में ना कटे, सह अभाज्य, ए और बी के मान ऐसे होते थे जो आपस में न कटते थे। तो ए और बी के मान आपको दिए गए जो आपस में कटते भी नहीं है, 4 और 5। तो यहाँ पर देखिए ए का मान दिया गया और यहाँ पर बी का मान दिया गया। अब देखिए यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स था, तो यहाँ भी 8 रख दीजिए, यहाँ भी 8 रख देंगे भाई, यहाँ पे 8 रख देंगे। 8, ए का मान कितना है 4 भाई, ये दिया गया, और यहाँ दूसरे में 8 × 5। अब दोनों का एलसीएम कितना होता है, एक्स ए बी, तो एक्स तो दोनों जगह है, देखिए 8 जैसे, तो 8 × में कितना 4 × में 5, तो 4 × 5 = 20, और गुणे में 8 × 2 = 16, 160। तो हमारा एलसीएम आ गया कितना, 160। तो उनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, 160 होगा। फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग कई तरीके से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपने इस वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से सीखा है हमारे लेक्चर के द्वारा। तो देख लीजिएगा उस लेक्चर को और समझिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स फिर उसी कैटेगरी में दूसरा क्वेश्चन आपके साथ मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 10। कहा गया दो संख्याओं का योगफल। भैया अगर हमें पता हो दो संख्याएं, जैसे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल कितना है 84, हमें संख्या पता हो तो हम योगफल कर पाएं। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा उनका मासा 12 है। हमने कहा भाई अगर मासा x हो तो हम संख्याएं मान सकते हैं कितनी, x a और x b, तो ये संख्या होगी। अब देखिए आपको मासा दिया गया कितना 8, तो हम संख्या मान सकते हैं ना 8 a और 8 b, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 8 a + 8 b बराबर कितना 84। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या है ना, तो 8 कॉमन ले लेंगे, बचेगा ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पर, सॉरी सॉरी यहाँ पर, सॉरी 12 है आपका, सॉरी सॉरी 12 है, तो यहाँ पर 12 ए हो जाएगा और यहाँ पर 12 बी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे 12 ए और 12 बी, 12 कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन ले लिया, बचा ए प्लस बी, यहाँ कितना 84, तो 12 से काटेंगे, 12 सते 84, तो ए प्लस बी बराबर कितना 7। बस ए प्लस बी 7 अगर आपका आ गया है, तो ए प्लस बी 7 आते ही तो देखो क्या करना है आपको। जहां पर अगर आपको नहीं पता है कि ए और बी क्या है, ए और बी भैया सह अभाज्य संख्या है, क्या है सह अभाज्य, जैसे 3 और 5 आपस में कटता नहीं, जैसे हमने कहा सह अभाज्य का मतलब 2 और 5 जो आपस में ना कटे, ठीक है, ऐसी संख्या है। तो ए और बी की ऐसे मान रखो जिनका योग तो 7 हो जाए, लेकिन ये लोग आपस में ना कटे, जैसे 4 और 2, सॉरी जैसे 4 और 2 6 होते हैं, तो ये सहभाज्य नहीं है फिलहाल, ये नहीं, जैसे और कोई, जैसे देखो हमने जोड़े बनाते हैं इनके, देखो पहला जोड़ा बनेगा 1 और 6 का, देखिए भैया 1 और 6 का पहला जोड़ा बनेगा, 1 और कितने 6 का बनेगा, 1 6 कितना 7, और दूसरा बनेगा 2 और 5 का, 2 5 भी 7 होता है ना, और फिर तीसरा बनेगा कितने 3 और 4 का, भैया 3 और 4 भी 7 होते हैं। तो गिनते रहना क्योंकि उन्हें कुल युग्मों की संख्या चाहिए, कितने ऐसे युग्म बनेंगे। अभी देखो और कोई बनेगा 3 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, बात एक ही होता है भैया, देखो 2 5 हो गया, 5 2 हो गया, और कोई ऐसा बन रहा है, और कोई बन रहा है 5 2 7 हो गया, 6 7 हो गया, बस कितने युग्म बन गए 1 2 और 3, 3 युग्म बने हैं। तो अब अगर हम आपसे देखिए कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, युग्मों की संख्या पूछी गई है केवल आपसे, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों ने काफी डिस्कस किया है और आप थ्योरी देखिएगा। फिलहाल इस लेक्चर में अब हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर लासा मासा सीरीज के हम सारे चैप्टरों को आपके साथ प्रैक्टिस कराएंगे, वो भी बिल्कुल टफ क्वेश्चनों के साथ कराएंगे, जो कि एग्जाम के बिल्कुल रिलेवेंट होंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछ दिया जाए, और कोई डिजिट ही बदलेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा अपना, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू।